चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने दो पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे, आज हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट अवर थ्री। ठीक है चलो स्टार्ट करो। उटुमन इज शॉर्ट यानी कि शिशिर ऋतु, यानी कि शिशिर ऋतु भी होती है। कौन सी ऋतु में बोल सकती हो आपको? सर्दी से पहले आने वाली ऋतु होती है और बारिश के बीच वाली, हाँ यानी कि बारिश से बाद और सर्दी से पहले। ठीक है शिशिर ऋतु क्या होती है? छोटी होती है। द लीव्स द फॉल, उस ऋतु में क्या होते हैं? लीव्स यानी कि पत्तियाँ और फॉल यानी कि गिरना, पत्तियाँ गिरती है। क्रशिंग ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियों को कुचला जाता है। इस वन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए एक मज़ा है। कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। ठीक है द लीव्स देन फॉल, तब क्या गिरती है? पत्तियाँ गिरती है। ठीक है ओके चलो। हाँ अब आता है हमारा विंटर इज कोल्ड यानी कि सर्दी क्या होती है? विंटर यानी कि सर्दी, इस कोल्ड यानी कि ठंडी। सर्दी क्या होती है? ठंडी होती है। और सनी डेज, धूप खिले दिनों में पीपल बाग्स यानी कि लोग बतियाते हैं इन द सन्स रे, सूरज की किरणों में। सर्दी की ऋतु बहुत, उसमें क्या होती है? ठंडी होती है। तो लोग क्या करते हैं? गर्मी की गर्मी देखो सर्दी में हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं? धूप जब खिलती है तब लोग क्या करते हैं? बातें करते हैं। किस कब? सूरज की किरणों में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट। स्प्रिंग इज अ टाइम, बसंत एक ऐसा समय है। स्प्रिंग यानी कि बसंत, टाइम यानी कि समय। ठीक है व्हेन चिल्ड्रन प्ले, तब क्या करते हैं? बच्चे खेलते हैं। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, वैन यानी कि जब, प्ले यानी कि खेलते। फ्लावर्स बूम यानी कि तब क्या होते हैं? फूल खिलते हैं। ऑल इज गे यानी कि सब खुश होते हैं। कब? स्प्रिंग में। ठीक है एक बार हम और रीड कर लेते हैं ये। उटमून इज शॉर्ट द लीव्स दैन फॉल, क्रशिंग ड्राई लीव्स इज फन फॉर ऑल। ठीक है विंटर इज कॉल्ड, ऑन सनी डेज पीपल बास्क इन द सन्स रेज। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर ब्लूम ऑल इज गे। ठीक है अब आपको ये वर्ड मीनिंग दिख रही है सभी को, ये वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है सुंदर अक्षरों से। ठीक है ना ओके। अब इस तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर जो भी बाकी है वो सब मैं आपको पीडीएफ करके सेंड करूँगी, फिर एक दिन में आप कर लेना। ठीक है ये ओके ओके। यहाँ पर आपका वीडियो ख़त्म, बट मेरी बात सुनो, ख़त्म होने से पहले आपकी वीडियो में मैं ये बात बताती हूँ कि जो जस्ट मैं एक बार रीड कर लेते हैं चलो। ठीक है सीजन यानी कि मौसम, समर यानी कि गर्मी, डीप यानी कि डुबकी लगाना। ठीक है रेनी यानी कि वर्षा, ऑटम यानी कि शिशिर, क्रश यानी कि कुचलना, विंटर यानी कि शरद, बाग्स यानी लेटना, स्प्रिंग यानी कि बसंत, ब्लूम यानी कि खिलना, गे यानी कि प्रसन्न। ओके आपके यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है।